हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स से जितने भी दौड़े हैं, रिले दौड़, बाधा दौड़, इन सब का ट्रैक पर रंगों के जो चिन्ह है कहाँ पर किस कलर के लगाए जाते हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज के माध्यम से डिटेल में बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है एंड 100 से ज्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन पर बनाए गए हैं। एंड दोस्तों, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का प्रैक्टिस भी कराया गया है, तो सभी वीडियोज को देखकर आप अपने प्रैक्टिस को बरकरार रख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज मेरा गला थोड़ा खराब है तो वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, 100 मीटर, 110 मीटर, 110 मीटर हर्डल, 400 मीटर, 200 मीटर एंड सभी लंबी दूरी की दौड़ों का स्टार्ट लाइन यानी प्रारंभिक रेखा एक स्टैंडर्ड ट्रैक पर किस रंग से चिन्हित किया जाता है। तो सभी का जो स्टार्ट लाइन है स्टैंडर्ड ट्रैक पर व्हाइट कलर से यानी सफेद कलर से चिन्हित किया जाता है, मार्किंग किया जाता है। नेक्स्ट है, 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए ट्रैक पर बाधाओं के लिए मार्किंग किस रंग से की जाती है। तो 110 मीटर के लिए नीले रंग से मार्किंग की जाती है ट्रैक पर बाधाओं के लिए, जो बाधा होता है उन बाधाओं के लिए मार्किंग किया जाता है। स्टार्टिंग लाइन पूछेगा तो व्हाइट कलर रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ ट्रैक पर बाधाओं के लिए मार्किंग पूछा है 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए, तो नीले रंग का। नेक्स्ट है, सभी हर्डल यानी बाधा दौड़ों के लिए बाधाओं के निशान ट्रैक पर चिन्हित किए जाते हैं, उनका माप कितना होता है। तो जो बाधाओं के निशान ट्रैक पर चिन्हित किया जाता है उनका माप होता है लेन में दोनों तरफ से 10-10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, 100 मीटर बाधा दौड़ के लिए 100 मीटर बाधा दौड़ के निशान ट्रैक में किस रंग से लगाए जाते हैं। तो 100 मीटर बाधा दौड़ के लिए निशान ट्रैक पर पीले रंग के लगाए जाते हैं, जैसा कि 110 मीटर के लिए नीला रंग, 100 मीटर के लिए पीले रंग के जो बाधाओं का निशान होता है ट्रैक पर वो लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, 400 मीटर बाधा दौड़ के लिए ट्रैक पर किस रंग से निशान लगाए जाते हैं। तो 400 मीटर बाधा दौड़ के लिए ट्रैक पर बाधाओं के लिए निशान जो है हरे रंग का लगाए जाते हैं। इस प्रकार आपने समझा कि 100 मीटर के लिए बाधा के ट्रैक पर निशान पीले रंग के, 110 मीटर बाधा के लिए नीले रंग के एंड 400 मीटर बाधा के लिए हरा रंग के ट्रैक पर बाधा का निशान लगाया जाता है। नेक्स्ट है, स्टीपल चेज यानी पानी बाधा दौड़ में बाधाओं के लिए चिन्ह किस रंग के निशान लगाए जाते हैं। तो यह नीले रंग के निशान लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पानी बाधा दौड़ की बाधाओं को रखने के लिए निशानों का माप कितना होता है। तो जो स्टीपल चेज होता है यानी पानी बाधा दौड़, उनमें बाधाओं को रखने के लिए जो निशानों का माप होता है वह 12.5 × 12.5 सेंटीमीटर होता है, यानी 12.5 × 12.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, 4 × 100 मीटर रिले के दूसरे तथा चौथे नंबर के धावक के लिए स्क्रेच लाइन यानी कि स्टार्टिंग लाइन किस रंग से चिन्हित किया जाता है। तो यह सफेद रंग से चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 × 100 मीटर रिले के दूसरे तथा चौथे नंबर के धावक के लिए स्क्रेच लाइन यानी कि स्टार्ट लाइन के निशान की माप क्या होती है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लेन के बीचों बीच 40 सेंटीमीटर लंबी। नेक्स्ट दोस्तों, 4 × 100 मीटर रिले के बैटन एक्सचेंजिंग जोन के स्टार्ट और एंड लाइन के निशान किस रंग से लगाए जाते हैं। तो ये निशान लगाए जाते हैं बैटन एक्सचेंजिंग जोन जो होता है उसके निशान पीले रंग के लगाए जाते हैं। किस रंग के?
पीले रंग के लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है 4x100 मीटर रिले के बेटन एक्सचेंज जोन के स्टार्ट एवं एंड के लिए निशान की माप क्या होती है? तो निशान की माप होती है 1.10 मीटर लंबा। ठीक है, जैसा कि दोस्तों 4x100 मीटर रिले रेस में 4 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में, और प्रत्येक खिलाड़ी 100 मीटर दौड़ता है, और इसमें स्क्रेच लाइन 100 मीटर की दूरी पर होता है, और इस स्क्रेच लाइन के 10 मीटर आगे या 10 मीटर पीछे कुल मिलाकर के 20 मीटर का बेटन एक्सचेंज जोन होता है, जिसमें पिछला धावक अपनी टीम के अगले धावक को बेटन पकड़ाता है। नेक्स्ट है 4x100 मीटर रिले का एक्सेलरेशन जोन किस रंग से चिन्हित किया जाता है? तो यह एक्सेलरेशन जोन होता है बीच में नीला और साइड में सफेद होता है। नेक्स्ट है 4x100 मीटर रिले का एक्सेलरेशन जोन के चिन्ह का माप क्या होता है? तो इसके चिन्ह का माप होता है लेन के बीचों बीच 60 सेंटीमीटर नीला। ठीक है, जैसा कि दोस्तों एक्सेलरेशन जोन जो है 10 मीटर का होता है, जो एक्सचेंजिंग जोन के पीछे होता है, जिसमें अगला धावक अपने को दौड़ने के लिए प्रयोग करता है, और 10 मीटर पिकअप जोन होता है। नेक्स्ट दोस्तों 4x400 मीटर रिले का स्टार्ट के निशान का रंग सफेद ना होकर किस कलर का यानी किस रंग का होता है? तो यह नीले रंग का होता है 4x400 मीटर में। 4x400 मीटर रिले रेस में क्या होता है दोस्तों, इसमें भी 4 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में, और चारों खिलाड़ी चार चार एक खिलाड़ी यानी कि एक खिलाड़ी 400 मीटर दौड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों 4x400 मीटर रिले के बेटन एक्सचेंज जोन के एंट्री एंड एग्जिट निशान किस रंग के होते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग लाइन और एंड लाइन होता है किस रंग के होते हैं बेटन एक्सचेंजिंग जोन के? तो इसमें नीला रंग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट 4x400 मीटर रिले के स्टार्ट अथवा स्क्रेच लाइन के निशान की माप क्या होती है? तो इसमें होता है लेन के बीचों बीच 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दोस्तों 4x400 मीटर रिले के दूसरे रनर का स्क्रेच लाइन अथवा 800 मीटर की दौड़ का स्टार एक ही जगह किस रंग से चिन्हित होता है? तो इसका सही जवाब है हरा रंग। नेक्स्ट है 4x400 मीटर दौड़ के बेटन एक्सचेंज जोन के स्टार्ट व एंड की माप क्या होती है? तो इसका सही जवाब है 80 सेंटीमीटर लंबा। नेक्स्ट है 4x400 मीटर रिले 800 मीटर तथा अन्य दौड़ जिसमें कि धावक अपने लेन को छोड़कर पहली लेन में प्रवेश करता है, वह चिन्हित रेखा किस रंग से चिन्हित की जाती है? तो इसका सही जवाब है हरा रंग। तो दोस्तों ये था ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में जो मार्क है वो किस किस कलर से कहां पे किया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। इससे भी एक या दो क्वेश्चन आपके अवश्य आएंगे, इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से रीड करिएगा और 3-4 बार देख लीजिएगा और इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। एंड दोस्तों इस प्रकार एथलेटिक्स रिलेटेड अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो नेक्स्ट वीडियो में और 4-5 वीडियो के अंतर्गत आपको मिलेंगी। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।